जो वो 2004 के बाद की नोटिफिकेशन वाला इशू है, वो केस अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उसकी अगली तारीख 30 मार्च है। आ गए हम आदरणीय अंकुर छिब्बर जी के यहाँ और आगे देखते हैं कि आप आर्मी पुलिस फोर्स के लिए जो लड़ाई है उसको जबरदस्त बनाना है। आइए हम देखते हैं। आप जब भी आइए एंट्री से एंट्री करना है आपको। ये नाम ही काफी है, ये नाम ही काफी है। ये ऑफिस एरिया है जहाँ पर दिन रात जवानों की हित के लिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स तथा तमाम पैरामिलिट्री फोर्स एवं अधिकारी। 2004 के बाद की नोटिफिकेशन वाला इशू है, वो केस अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उसकी अगली तारीख 30 मार्च को उसकी बहस होगी। उसके अंदर हम ये प्ली ले रहे हैं कि क्योंकि हम लोग आर्म फोर्सेस हैं, देयरफॉर क्या कहते हैं जो नोटिफिकेशन है 22 दिसंबर 2003 का, वो स्पेसिफिकली कहता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम कंटिन्यू रहेगी आर्म फोर्सेस के लिए। तो वो मैटर जो है वो जो है अभी वर्तमान में कार्यरत जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल, उनके जवानों की तमाम सुविधा जो ऑप्स के मामले अभी चले हैं विचाराधीन कोर्ट में है, क्या कर रहे हैं उसमें, क्या जजमेंट जवानों के पक्ष में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। राशन मनी वाला केस चल रहा है, पहले हम जीत गए थे, उसमें रिव्यू फाइल हुआ है। उसके बाद कंपेंसेटरी अलाउंस वाला जो मैटर चल रहा है वो भी अभी चल रहा है। तो कई सारे ऐसे इशू हैं जहां अभी कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। कोविड के कारण वो मैटर अभी टेक अप नहीं हो पाए, पर भगवान की तरह से जितनी जल्दी हो सकेगा सारे के सारे इश्यूज रेज करके कोर्ट के अभी करेंगे। भारत के तमाम लोग ये कहते हैं कि आज एनपीएस में जो स्थिति लोगों की बनी है कि 16 साल की नौकरी के बाद 2500 पेंशन मिल रहा है एनपीएस में, इसमें क्या करना है सरकार की, कौन सी दोहरी नीति है? देखिए, सरकार की जो नीति और नहीं नीति इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा गोल ये है कि भैया जब फौज के आदमी अपनी जिंदगी लोग देश के लिए लगा रहे हो तो उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जैसे पुराना ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलता था। लाइफ में आदमी अपने देश के लिए लड़ाई करता है, लड़ाई इसलिए करता है कि कल को कुछ हो गया तो उसके फैमिली को देखभाल कर पाएंगे। सो ये पॉलिसी जो है वो सोच समझ के नहीं लगाई गई है, ये पॉलिसी सिविलियंस के लिए थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए नहीं है जो कि रोज अपनी जिंदगी जोखिम पर डालते हैं। सो इसीलिए चीज की लड़ाई चल रही है, भगवान ने चाहा तो सब लोगों के लिए करेंगे और सबको पेंशन मिलेगी। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और नई नोटिफिकेशन के लिए इंतजार करें। लेकिन साथ में ये भी बताते हैं आपकी कोई भी मुद्दे हैं डायरेक्ट आप कमेंट करके कॉल पे या किसी भी प्रकार से जो हमारे आपके बीच में जो नंबर डाले गए हैं आप संपर्क कर सकते हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।